हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? यू नो, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं मेरे बारे में। बचपन में ना मुझे कहानियां बड़ी अच्छी लगती थी। रात को मैं सो नहीं पाता अगर मेरे मॉम डैड मुझे स्टोरीज नहीं सुनाते। मुझे खुद की कहानियां लिखना, सुनना और उनसे कुछ सीखना बड़ा अच्छा लगता था। अब इतनी स्टोरी आपको बता दी मैंने, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन नहीं बताया, मैं कौन हूँ? हाय गाइस, मैं हूँ ग्लेन सल्दाना। मैं एक रेडियो होस्ट हूँ, तो मैं रेडियो पर स्टोरीज बोलता हूँ। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि ये स्टोरी आपकी और मेरी है। ये वो कहानी है जो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग लेसन देगा लाइफ में। अब स्टोरी का नाम है द बेयर एंड द ट्रैवलर, एन इम्प्रिंट ऑफ ओम बुक्स इंटरनेशनल। तो हुआ यू कि वंस अपॉन अ टाइम एक यंग आदमी, एक यंग व्यक्ति, आपकी तरह, मेरी भी तरह, मैं भी थोड़ा यंग ही हूं, और एक ओल्ड अंकल दोनों चल रहे थे एक रास्ते पे। अब दोनों आराम से चलते चलते एक जंगल में घुस गए। तब ओल्ड अंकल ने उस यंग लड़के से कहा, We must stick together for sure. अगर हम साथ में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे वो चल रहे थे उस घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में, अंधेरा बढ़ते जा रहा था, अचानक से उनके सामने आ गया एक भालू। जस्ट लुक एट दिस बेयर। तो ये बेयर भाई साहब आए और इन्होंने अपनी बेयर बॉडी दिखाई इस अंकल के सामने और इस नौजवान के सामने। चलो एक काम करते ना, यंग मैन का नाम रख ले कुछ, मैं गया था इसको राहुल बुलाते हैं। चलो, ये यंग मैन राहुल और ये ओल्ड अंकल, अंकल को अंकल ही बोलते हैं, राहुल और अंकल। तो अंकल ने राहुल से कहा, We have to get away from this bear fast, but we have to run for this. अब दोनों दोस्तों ने भागना स्टार्ट किया। अब ऑब्वियस सी बात है ना, यू आर यंग, आई एम यंग, हम दोनों तो आराम से भाग सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दैट ओल्ड अंकल? और इतना खूंखार जानवर, वो भी इतना बड़ा फिरोशियस बेयर, अब कोई करे तो करे क्या? याद है मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अंकल ने क्या कहा था राहुल से? We must stick together if we want to be safe. अंकल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया था वहां पे कि साथ में रहने से हम सेफ रह सकते हैं। अब द यंगर बॉय सेड, अब मैं कहां पे स्टिक करूं, मैं क्या करूं, मैं अपनी जान बचाऊं कि मैं इनके साथ रहूं? और वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। द यंग मैन कंटिन्यूड रनिंग, वो भागता गया, दौड़ता गया, फुल पेस में वो आगे बढ़ता गया। और उसने उस अंकल को कहा कि आपको जो करना है अब करो, मैं तो निकल पड़ा। अब अचानक से जब वो भाग रहा था, उसने नोटिस किया एक पेड़ आया है वहां पे। उसने कहा, मुझे अपनी जान बचानी है, तो वो पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ते 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 वो सीधा एक डाली पर आकर बैठ गया। उसने रियलाइज किया कि अभी व्यू बड़ा अच्छा है, मैं तो सेफ हूं, मुझे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसने नीचे देखा, तो उसने देखा वो जो अंकल थे ना, जो उसके दोस्त, वो पड़े हुए थे जमीन पर। अब यहां पर आप कहोगे कि ये क्या हो गया अचानक से, डिड द बेयर अटैक अंकल? नहीं, यही तो ट्विस्ट आई कहानी में। तो अंकल ने खुद से कहा कि यार मेरे पास इतना स्पीड नहीं है, मैं इतना जवान नहीं हूं राहुल की तरह, तो एक काम करता हूं, मेरे पास दिमाग का स्पीड है और एक्सपीरियंस है। और अंकल तुरंत लेट गए जमीन पर। अब आप कहोगे कि भैया व्हाट इज दिस, व्हाई विल ही डू समथिंग लाइक दिस, मतलब इतना खूंखार जानवर, इतना बड़ा भालू और अंकल जाके लेट गए। स्टोरी को थोड़ा सा लेट पुश करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है ना, ये जो हमारा बटन्स का चैनल है ना, इसको जाके सब्सक्राइब करना है। कहानी आगे बढ़ाओ, तो चलो लेट्स गो अहेड। उसके दांत इतने बड़े, उसके पंजे इतने बड़े, जब बेयर खड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट 6-7-8-10 फीट ऊंचा बेयर उसके सामने जाके लेट गया। अब यही तो एक्सपीरियंस काम आया, जब इतने बड़े खूंखार जानवर ने इस आदमी को जमीन पर लेटे हुए देखा, उस जानवर ने हंसते हुए कहा, अब मैं इसे खा जाऊंगा। बट हुआ क्या, जैसे ही ये बेयर गया उस अंकल के पास, उसने रियलाइज किया ये अंकल जिंदा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कहानी में ट्विस्ट आता है। हमारा राहुल जो पेड़ की डाली पर बैठा था, वो ये सोच रहा था कि मैं तो सेफ हूं, लेकिन ये अंकल तो डबल सेफ है, बेयर उनके बाजू में है, इतना बड़ा भालू उनके बाजू में है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्या कह रहे हैं अंकल उस भालू से? अब ये सवाल आप भी सोचेंगे। आफ्टर स्निफिंग द ओल्ड मैन्स ईयर्स, The bear walks away. My luck is completely against me. और मैं आज खुश नहीं हूँ. और वो वहाँ से चला गया. As the bear walked away, राहुल याद है, जो पेड़ की डाली पर बैठा था, उसके भी दिमाग में same to same सवाल कि इतना बड़ा खूंखार जानवर, इतना dangerous भालू आखिर वहाँ से गया कैसे बिना कुछ किए? I am surprised.
You're surprised, no? हाँ, I'm talking to you. You, हाँ. You are surprised. Everybody is surprised. So Rahul नीचे उतरा, तुरंत भाग गया अंकल के पास और उसने पूछा, अंकल, आपने भालू के कान में बोला क्या? What did you tell the bear? अंकल ने उसकी तरफ देखा, स्माइल करते हुए कहा, देखो, मैंने उस भालू को कुछ नहीं बोला. I didn't tell the bear anything. The bear just told me that next time when you travel through the forest, make sure you travel with a friend who cares about you and who will always be your real friends. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी, याद है? हाँ, याद है आपको? आई थिंक नहीं, आपको याद नहीं. आपको याद है? वेरी गुड. अंकल ने क्या बात बोली थी स्टार्ट में? कि हमें अगर सेफ रहना है तो हमें साथ में रहना होगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, और बहुत सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं, अच्छे सिचुएशन में ना सभी लोग साथ देते हैं, लेकिन बुरे सिचुएशन में, बुरे वक्त में जो आपका साथ दे या फिर आप किसी का साथ दे, वही सच्चा दोस्त. कहानी मजेदार थी ना? मुझे भी बड़ा मजा आया आपसे बात करके और आपको ये कहानी सुना के. अब मैं आपको एक छोटी सी बहुत शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ. आपको बस इतना करना है, ये जो चैनल है ना हमारा बटन्स, उसको जाके सब्सक्राइब करना है. That's all from me. End of story. I'll see you soon. Thank you.